Let's do question number 26 of exercise 5D, that is arithmetic progression. Question number 26 is, what is the common difference of an AP in which, हमें common difference बताना है AP का, जहाँ पे A27 minus A7 equals to 84 है, ये कह रहा है, A27 minus A7 equals to 84 है, ये कह रहा है, AN क्या हुआ, हम जिसे term N कहते हैं, वही AN हुआ, right, तो उसका formula क्या होता था, that is, a plus n minus 1 into d होता था. इसी तरीके से अगर a27 की बात करें तो क्या आएगा फॉर्मूला, a plus n की जगह हम 27 minus 1 into d लिख देंगे, तो ये आ जाएगा a plus 26d. इसी तरीके से a7 की बात करूं तो कितना आ जाएगा, a plus 7 minus 1 into d. We can say that a plus 6d आ जाएगा. अब इन दोनों का डिफरेंस 84 कह रहा है, तो हम लिख लेते हैं A27 minus A7 equals to 84. A27 की वैल्यू कितनी थी, A plus 26, तो A plus 26D हो गया, minus 7th term की वैल्यू कितनी थी, A plus 6D, तो A plus 6D equals to 84. ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, a plus 26d minus a minus 6d equals to 84. अब a एक प्लस का एक माइनस का कैंसिल हो गया, तो ये कितना आ गया, 26d minus 6d equals to 84. 26 में से 6 चला जाएगा क्योंकि दोनों अपोजिट साइन के हैं, तो आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, 84. तो D कितना आ गया, 84 अपॉन 20, ये 4 से डिडक्ट हो जाएगा, 4 5s are 20, 4 2s are 8, 4 1s are 4, तो D आ गया हमारा 21 अपॉन 5. बुक में आंसर 6 दे रखा है तो वो इनकरेक्ट है, अगर क्वेश्चन A27 minus A7 equals to 84 है, तो वो आंसर इनकरेक्ट है. Correct answer will be D equals to 21 upon 5 is the answer. Let's do question number 27th of exercise 5D, that is arithmetic progression. Question number 27th is, if 1 plus 4 plus 7 plus 10 plus x equal to 287, इन सारे numbers को add करके 287 आ रहा है, हमें x की value निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले AP लिख लीजिए, AP है हमारी 1 plus 4 plus 7 plus 10 up to x equals to 287, और हमें x की value निकालनी है, तो कैसे करेंगे, देखिए ये plus करके सारी values ये आ रखी है, तो हमारा sn value कितनी है, 287. हमें term n निकालनी है, हमें क्या निकालना है, term n निकालना है, जो कि x है, right, term n निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे, देखिए sum of nth value होता था n upon 2 into 2a plus n minus 1 into d, right, अब यहाँ पे sn sum of nth value कितना दे रखा है, 287, तो 287 n हमें पता नहीं है, upon 2, a कितना है हमारा 1, तो 2 into 1 plus n minus 1, और d कितना हुआ, इन दोनों का बीच का डिफरेंस, तो d आ गया हमारा 4 minus 1, that is 3, तो ये आ गया 3. अब ये देखिए 2 इधर जाके मल्टीप्लाई का हो गया, 287 into 2 equals to n into 2 1s are 2 plus 3n minus 3 हो गया. ब्रैकेट्स ओपन कर लिए, देखिए 3 की मल्टीप्लिकेशन n minus 1 में, तो 3n minus 3 हो गया, तो ये कितना आ गया, मल्टीप्लाई करके 2 से 287 को, 2 7s are 14, 2 8s are 16, 17 carry 1, 2 2s are 4 and 5 equals to n into, देखिए 2 प्लस का है 3 माइनस का है, तो आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो ये आ गया 3n minus 1. अब ब्रैकेट्स ओपन कर देते हैं, तो 574 equals to 3n square minus n आ गया. अब
574 को भी उधर लेके चले जाते हैं, तो ये आ गया 3n² माइनस एन माइनस 574 इक्वल्स टू ज़ीरो। यही वैल्यू दोबारा से पीछे लिख रही हूँ जिससे कि बार बार ना देखनी पड़े, माइनस 574 इक्वल्स टू ज़ीरो। अब फैक्टराइजेशन करेंगे जो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कर चुके हैं, इसकी मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, तो ये आया 574 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 4 12, 3 7 21, 22, 2 कैरी, 3 5 15, 16 17, एन स्क्वायर लेकिन माइनस का। अब इसके दो फैक्टर्स बनाने, तो 1 7 2 2 के फैक्टर्स निकाले जिसको प्लस माइनस करके माइनस एन आना चाहिए, 2 8 16, 2 6 12, 2 1 2। अब ये 2 से तो नहीं जा सकता, 3 से देखते हैं, 3 से जा रहा है कि नहीं जा रहा है, यस 3 से जा रहा है, 3 3 2 6, 26, 3 8 24, 3 7 21। अब 3 से नहीं जाएगा, 7 से जा रहा है, 7 4 28, 7 1 जा, तो अब इसके फैक्टर्स क्या बनेंगे, 3 2 6 एंड 42 हो गया 7 जा, तो ये आया 42n एंड 41n। सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो ऑपोजिट साइन होंगे दोनों के, ये मिडल टर्म वाला, ये उसका ऑपोजिट, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 3n² माइनस 42n प्लस 41n माइनस 574 इक्वल्स टू ज़ीरो। अब 3n कॉमन आया तो क्या बचा, n माइनस 3 1 3, 3 4 12, राइट। इसी तरीके से 41 कॉमन आया तो क्या बचा, n माइनस, अगर 574 को आप 41 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 41 1 41 माइनस किया तो यह आया 16, 4 उतर गया तो 4 ज़ा 164। ये अंडरस्टूड होता है लेकिन फिर भी मैंने आपको करके दिखा दिया कि 14 ही बच रहा है इक्वल्स टू ज़ीरो। अब n माइनस 14 कॉमन आ गया क्योंकि दोनों में था, तो हमारा बच गया 3n प्लस 41 इक्वल्स टू ज़ीरो। अब n माइनस 14 को ज़ीरो के इक्वल रखा तो n आ गया हमारा 14, और 3n प्लस 41 को ज़ीरो के इक्वल रखा तो 3n आ गया हमारा माइनस 41, और n आ गया माइनस 41/3। लेकिन n नेगेटिव नहीं हो सकता और नेचुरल नंबर होगा हमेशा, क्योंकि वो टर्म बता रहा है nth टर्म कितनी टर्म्स है, तो इसका मतलब कितनी टर्म्स हैं टोटल, 14 टर्म्स हैं, तो टर्म 14 की वैल्यू निकाल देंगे। तो टर्म 14 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, हमारा फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a क्या था हमारा, 1, और d था हमारा 3, तो a 1 प्लस n क्या हुआ 14, तो 14 माइनस 1 इंटू 3, तो ये कितना आ गया 1 प्लस 13 इंटू 3, तो 1 प्लस 13 3 इज 39, दैट इज टर्म 14 कितनी आ गई, 40 इज द आंसर।